तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे सुजलोन एनर्जी को लेकर के। सुजलोन एनर्जी लगातार 2-3 महीने से, देखो तो पहला मंथ ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 3-4 महीने से लगातार स्टॉक भागने के ऊपर लगा हुआ है। लगातार स्टॉक एक टारगेट दे रहा। अभी करंटली इस स्टॉक ने आज अगर हम देखें तो 10% का इसने इस स्टॉक ने हाई लगाया है। 10% का आज का स्टॉक ने, मतलब 7-8% तक का कंपनी ने हाई लगाया है आज, सिर्फ आज की डेट में। तो मतलब इतना हाई रिटर्न बना करके दे रहा है, क्या ही बताया जाए। ठीक है, अगर ये ऑरेंज वाला ट्रेड लाइन आपको दिख रहा है, ये 17 रुपये 49 पैसे का ट्रेड लाइन है, इस वाले को ब्रेक करता है ये स्टॉक ऊपर की तरफ, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको बना करके दे सकता है। तो अगर हम लोग देखा जाए यहाँ टारगेट क्या हमारा निकल करके आ रहा है सामने, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है स्टॉक तो आपको टारगेट क्या मिल सकता है। पहला टारगेट आपको मिलेगा ये 22 रुपये का। ठीक है, अगर उस प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है ये स्टॉक तो आपको टारगेट मिल जाएगा 30% का टारगेट आपका निकल के आ रहा है सामने। ठीक है, 30% अगर इस लेवल को सस्टेंस कर जाता है, इस मतलब इससे भी ब्रेकआउट कर देता है स्टॉक, तो आपको तत्काल 91 यानी 100% का रिटर्न बना करके दे सकता है। यानी ये रेंज रहेगा आपका 32 रुपये, और 32 रुपये का टारगेट आपको आराम से दे सकता है। लेकिन उससे पहले आपको टारगेट ये दिखलाएगा 23 रुपये का, 22 रुपये 40 पैसे का टारगेट आपको दिखलाएगा अगर ऑरेंज वाले ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है। यानी 16 रुपये 80 पैसे, सॉरी 17 रुपये 37 पैसे के ऊपर सस्टेंस कर जाता है इस लेवल को ब्रेक, 17 रुपये 49 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, उसके ऊपर सस्टेंस कर पाता है स्टॉक, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में बहुत कम समय के अंदर बना करके दे सकता है। मतलब आप ये मान करके चल सकते हो कुछ टाइम के अंदर, कुछ महीनों के अंदर आपको इस लेवल से 100% की प्रॉफिट बना करके दे सकता है ये स्टॉक। ठीक है, वैसे आपको इस स्टॉक ने देखा जाए तो 8 रुपये की प्राइस से तो 100 100% की रिटर्न, 116% का रिटर्न करंटली दे ही रहा है। अगर आपने नीचे वाले लेवल पे बाई किया होगा तो 116% की रिटर्न आपको आराम से मिल रहा है। अगर आपने बीच बीच में कहीं पकड़ ले फिर भी आप प्रॉफिटेबल बैठे हो बिजनेस में, तो आप क्या करके चल सकते हो दोस्तों। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए होता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बिल्कुल सहारा लेना चाहिए। अगर आप, ठीक है, एंटर कहीं ऊपर इधर कहीं किए हो, ठीक है, यहाँ कहीं किए हो 10 रुपये और 10 रुपये 81 पैसे 11 रुपये के प्राइस में, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस वाले यहाँ आपको वो कर देना चाहिए 15 रुपये का, 15 रुपये 25 पैसे का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इसके नीचे स्टॉक गया तो आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। मतलब ये है ना, स्विंग ट्रेडर के लिए प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मतलब अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, तो यही एक उपाय है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेंस करता है स्टॉक ब्रेकआउट करके तो आपको 30% का रिटर्न तो आराम से दे के जाएगा, 23 रुपये का टारगेट आपको आराम से दिखला करके जाएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 32 रुपये का टारगेट किसी का, मतलब कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ करंट प्राइस से आपको 91 91% 95%, मतलब 100% की प्रॉफिट मान करके चलो मिल जाएगा। तो 90 91% का प्रॉफिट आ रहा है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए कि अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग लोग मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, और फिर वो स्टॉक आ जाता है अपने झोल पे, इन द झोल मतलब इन द सेंस अपने एक्चुअल प्राइस में, फिर आपका वही मतलब कुछ विशेष वो नहीं रह जाता है। ठीक है, अगर इन सब लेवल को ब्रेक करता है स्टॉक, बहुत शानदार रिटर्न आपको बहुत ही जल्दी दिखला सकता है। 37 रुपये का भी टारगेट दिखा सकता है, 37 रुपये 40 रुपये का टारगेट दिखा सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों ने फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आपको एंट्री करना हो तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके ही चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह लेकर के बाय और सेल करके चल सकते हैं।